देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नहीं नहीं, ये गलत फेक है। फेक है, हम एकदम बगल बगल में सटे हुए, हम नहीं देख रहे बच्चा को, हम आज से देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था सर, वो अपने यहाँ से जिस इस गली से लेके वहाँ तक किसी से भी पूछ लीजिएगा, सब वो पापा के साथ जाती थी बस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो भी ह्यूमर उड़ा रहा है ये गलत है। हम लोग का पुरुष भी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लड़की बहुत ही स्वच्छ छवि की थी और उसका किसी प्रकार का किसी से कोई संबंध या प्रेम प्रसंग कहीं से नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं है, मोहल्ला में सबसे बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। किसी बच्चे को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है, वो बच्चा को हम लोग बचपन से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGN News, मैं हूं सैयद तहसीन अली। लगातार 36 घंटे से मधुबनी के इसी चौक से हम आपको कवरेज दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह से एक मौत के बाद कोरोना संक्रमण की बात आती है और जांच होती है। 36 घंटे के बाद जांच नेगेटिव पाया जाता है, उसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म होता चला जाता है। आज हम उसी मृतिका के घर पर आए हैं, उनके पिताजी से मिले, उनके मोहल्ले वालों से मिले हैं और जानने की कोशिश किए हैं कि कितनी सत्यता रही है इस बात में। कई बातें सामने आई है जो हम एक एक कर आपको सब कुछ दिखाएंगे। कुल मिलाकर बात यह था कि बच्ची की 2 से 3 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद उसे एक मामूली चेकअप के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से ये कहा गया कि इन्हें क्वारंटीन के लिए 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है। उसके बाद क्वारंटीन नहीं जाना पसंद किया और वापस से घर आ गई थी बच्ची, लेकिन फिर अचानक से तबीयत बिगड़ती है और लड़की की मौत हो जाती है। इस दरमियान उसके स्लैब को सैंपल जांच के लिए भेजा जाता है दरभंगा के मेडिकल कॉलेज और फिर 36 घंटों तक इलाके को सील कर दिया गया था, जहां से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे थे। निगेटिव रिपोर्ट आता है और मामला तय हो जाता है कि पूर्णिया सुरक्षित है, यहां कोरोना का कोई भी संक्रमित नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अफवाह फैली थी वो भी काफ़ी भ्रामक थी। खबरें ये फैल रही थी कि शायद इस मौत के पीछे कोई प्रेम प्रसंग हो। आज हम उनके घर पर पहुंचे, जहां उनके पिताजी ने बकायदा बुलाए और इस बातों से रूबरू कराया कि वाकई में वास्तविकता क्या थी। आप खुद सुनिएगा इस पूरे दास्तान में मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, उनके पड़ोसी क्या कहते हैं और उनके अभिभावक क्या कहते हैं उस 16 वर्षीय मृतिका के बारे में। बने रहिए SGN News के साथ और सुनिए ये पूरी बातचीत। अच्छा बताइए, ये लगातार कोरोना की रिपोर्ट की बात चल रही थी आपके घर में, रिपोर्ट क्या आया उसका? नेगेटिव आया जी। तो फिर कुछ पता चला कि मौत का कारण क्या रहा होगा? ये कुछ पता हमको नहीं चला। तबीयत कब से खराब थी उसके? ये 2 दिन से। 2 दिन से डॉक्टर तो कह रहे कि काफी लंबे टाइम से बीमार थे। हम मेडिसिन से उसको पहला दिन दवाई दिए, दूसरे दिन हम उसे डॉक्टर से दिखाए, एनके अली डॉक्टर है मौलवी टोले में, उनसे दिखाए। उनसे दिखाने के बाद हम यहाँ सलाइन से उनका चढ़ाएं, सलाइन चढ़ाने के बाद जो है ना उसका और तबीयत बिगड़ने लगा, तो उसके बाद हम उसको लेके चले गए सदर अस्पताल। सदर अस्पताल गए तो वही डोज वहाँ फिर से चल गया, तो वो डोज चलने के बाद उनका तबीयत और बिगड़ गया। उसके बाद हम वहाँ करोने के लिए हमको जाँच में भेज दिए। करोने के जाँच में जब भेजे कि कंपाउंडर बोले क्या कि वहाँ जांच में चल जाइए, आप तुरंत फिर चले जाइए, आपको यहाँ भर्ती करवा देंगे। तो वहाँ जाने के बाद वो लोग हमको फंसा दिए कि 14 दिन वहाँ हम रखेंगे लड़की को होटल में, उसके बाद ही जो रिपोर्ट आने के बाद तभी लड़की को छोड़ेंगे। अच्छा। तो हम लोग को समझ में बेटी का मुँह देखें कि वहाँ छोड़ दें, वो सब समझ के हम उसे सब मिलकर घर लेते आए। वो गलत जो दवा चला तो उससे इसका 7 बजे देहांत हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जांच के लिए रखा गया यहाँ पर? उसके बाद यहाँ पे जांच के लिए रखा गया। अच्छा, ये जो बातें चल रही है कि प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था, ये सब क्या है? ये सब कोई चीज बात नहीं है, वो लड़का को हम जान ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं। है कोई बात। फिर भी कुछ अखबारों में देखा जा रहा है। अखबार पे तो हम देखे, तब ये गौरकी है जो आपको हम बुलाए हैं। ऐसा कोई मामला नहीं? कोई मामला नहीं। किस क्लास में पढ़ती थी बच्ची लड़की? इस बार बोर्ड की एग्जाम दी है। बोर्ड का एग्जाम दी है।
मेरी बेटी को फीवर था थोड़ा सा, ज़्यादा तबीयत भी खराब नहीं था। फिर हम डॉक्टर को भी दिखा दिए, दो दो डॉक्टर को दिखाए, सदर अस्पताल में भी दिखाए, कुछ भी नहीं था। वहाँ से आने के बाद भी ठीक था, मगर सरकारी अस्पताल में जो सुई दवाई पड़ा उसके बाद ही उसका तबीयत बिगड़ा है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद एक से डेढ़ घंटा ही वो रही है, और उसके बाद ही तुरंत उसका मौत हो गया। तो क्या लग रहा है यहाँ लापरवाही किसके दिखती है? लापरवाही तो हमको मेडिसिन के ही लग रहा है, जो कि सरकारी अस्पताल में पड़ा है उसको देखना चाहिए था कि क्या डोज उसको घर में पड़ा है, क्या हम लोग दे रहे हैं। पहले से भी बीमार थी बेटी? नहीं, मेरी बेटी पहले से बीमार नहीं थी, ना ही करोना जैसी लक्षण थी मेरी बेटी में, क्योंकि मेरी बेटी बेड से भी नीचे नहीं उतरती थी। और जिस दिन मेरी बेटी थी वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल जो जा रहे थे उस समय भी ठीक थी मेरी बेटी, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रहा था तो इस कारण से हम हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, अच्छा ये बताइए, ये जो प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है ये क्या है? जी नहीं, बहुत गलत है ये। मेरी बेटी घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, और जब स्कूल भी हम लोग स्कूल कोचिंग करवाते थे खुद अपने से पहुंचाने जाते थे। ये कोई गलत अफवाह फैला दिया है दुश्मनी निकालने के लिए। कोई मांग आपकी प्रशासन से? हमको बस मेरी बेटी का क्लीन चाहिए, जो उस पर गलत चीज अफवाह हो रहा है वो चीज साफ चाहिए। आप पवन जी के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं जी। अच्छा ये बताइए, ये जो बातें चल रही है, बच्ची को आप काफी दिनों से देख रहे होंगे? जी जी जी। तबीयत कैसी थी इसकी पहले? इधर तो एकदम तबीयत बढ़िया था, इधर ढलाई लोग किए हैं 15-10 दिन पहले, हमारा बच्ची दोनों जाके उसको पकड़ कर जाके उसको खाना भी खिलाई है, सब चीज ठीक था, कहीं कुछ तो था नहीं। जिस दिन ये डेट की है उस दिन भी हमारे वाइफ जो है इसके कन पंप मांगने के लिए गई थी, तो वो बोली चाची कि ना ऐसे ऐसे देखा ना बुखार है, इसको दिए हैं, आज डॉक्टर को दिखाएंगे, सब चीज तो ठीक था। तो कह रहे हैं डॉक्टर की काफी दिनों से बीमार थी? नहीं नहीं, ये गलत फेक है सर। फेक है? हम एकदम बगल में सटे हुए, हम नहीं देख रहे बच्चा को, हम आज से देख रहे हैं। अच्छा एक और बात सामने आ रही है, प्रेम प्रसंग वगैरह का ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था सर, वो अपने यहाँ से जिस इस गली से लेके वहाँ तक किसी से भी पूछ लीजिएगा, सब वो पापा के साथ जाती थी बस, या मम्मी के साथ स्कूल तक। अच्छा बताएं, आप पवन जी के पड़ोसी हैं? जी जी। तबीयत कब से खराब थी बच्ची की? दो तीन दिन से। जी। और उससे पहले भी सुन रहे काफी लंबे टाइम से तबीयत खराब थी, डॉक्टर कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं था। और उस दिन जो हॉस्पिटल लेके गए थे तो क्या जाँच वगैरह कुछ हुआ? हाँ, सुबह में भी दिखाया गया था, तो जांच वगैरह लिखा गया, जांच वो सारा कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ये प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो भी है ह्यूमर उड़ा रहा है, ये गलत बात है। हम लोग का पड़ोसी, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बताइए क्या मामला है, काफ़ी बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बात लड़की बहुत बढ़िया है, लेकिन एक दिन पहले से तबीयत उसका खराब था, दूसरे दिन उसका जो है संध्या करीब 7-8 बजे के बाद एक्सपायर किया है। ये प्रेम प्रसंग का भी बात कर? नहीं, ऐसा कोई बात, गलत बात है। आप लोग पड़ोसी हैं उनके? एकदम पड़ोसी, हमारा तो अपना रिलेशन का आदमी है, बचपन से देखते आ रहे हैं। स्वभाव कैसा था बच्ची का? स्वभाव तो बहुत बढ़िया था। आप पड़ोसी हैं पवन जी के, ये बताइए कि बच्ची की तबीयत कब से खराब थी, और ये जो भी अभी बातें चल रही है प्रेम प्रसंग की, कहाँ तक सत्यता है? ये बिल्कुल गलत है, लड़की बहुत ही स्वच्छ छवि की थी, और उसका किसी प्रकार का किसी से कोई संबंध या प्रेम प्रसंग कहीं से नहीं था। वो उस पर लांछन लगाया जा रहा है, वो लड़की बहुत ही अच्छे परिवार से और पढ़ाने में पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की। ये बच्ची की जो अभी मौत हुई है ये कैसी थी, बातें प्रेम प्रसंग की चल रही है? ऐसा कोई बात नहीं है, मोहल्ला में सबसे बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। वो जब भी अगर हमारे हम कॉस्मेटिक का दुकान है, वो जब भी आती थी वो सर को नीचे करके ही आती थी, कभी भी सर को उठा के नहीं आती। अच्छा तबीयत वगैरह कितने दिनों से खराब थी उसकी? देखिए भैया, ये तो हम नहीं जानते हैं, तो वहाँ रहते थे, हम यहाँ रहते थे, इतना तो नहीं जानते हैं। लेकिन वो आपकी दुकान में आया करती थी अक्सर? कभी बहुत, मतलब एक कभी ऐसा उसको देख के लगा कि काफी सीरियस बीमार है बहुत दिनों से? अच्छी लड़की थी। ये जो प्रेम की बातें चली है सब, ये सब गलत झूठ है, ये सब झूठ है, सब खंडित है, किसी बच्चे को बदनाम किया जा रहा है।
ठीक है। और ऐसा नहीं है, वो बच्चा को हम लोग बचपन से जानते हैं, और ऐसा जो भी अगर कह रहा ऐसा कहीं भी दूर दूर तक जो है सो किस चीज़ का नहीं है। बदनाम करता गलत बात है, मोहल्ला का बच्चा हम लोग नहीं जानते हैं क्या। सारा मोहल्ला का सोच।